बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जस्ट वन चैनल विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का। ये प्रिंसिपल सीट है और यहाँ पे जितना रश आप सोच सकते हैं उतना रश है। तो आपको एक और भी आज के दिन की स्पेशलिटी बताऊं, आज 29 फेब है और सैटरडे है। और आप ये देखिएगा कि ये जो है ना, ये बड़ा ही हिस्टोरिकल दिन है, हिस्टोरिकल डेट है, इसलिए कि 56 ईयर्स के बाद दोबारा फिर 29 फेब और सैटरडे का दिन होगा। और वैसे तो आपको पता है 29 जो वो लीप का साल होता है और 4 साल के बाद 29 तो आ ही जाए, 29 फेब तो आ जाएगा, लेकिन सैटरडे नहीं आएगा। और 29 फेब और सैटरडे, ये 56 ईयर्स के बाद दोबारा आएगा। लिहाजा आज के दिन की कदर कीजिए और अपना कीमती वोट जो है वो पोल कीजिए। तो यहाँ हमने सोचा कि हमारे जो स्पेशली ख़ास तौर पे जो बाहर हमारे दोस्त हैं, तो वो बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि वो यहाँ के रौनक शौनक देखें, क्योंकि ये बदली सी ज़िंदगी, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये रौनक, ये सब यहाँ पे जनाब हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है। और पाकिस्तान की कदर कीजिए, अपने दोस्तों की कदर कीजिए, क्योंकि ये मजलिसी ज़िंदगी ना आपको यूके में मिलेगी, ना आपको यूएसए में मिलेगी, ये सिर्फ यहीं पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे दोस्त मौजूद हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले बहुत ही हमारी मोहतरम हस्ती, मेरे बड़े भाई पीर मसूद एवं चिश्ती साहब, और ये एक्स प्रेजिडेंट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है। बहुत बड़े बड़े अहदों पर रहे हैं, लेकिन ये खुद कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो इन्हें अहदा अपील करता है वो ये बार का, ये हाईकोर्ट बार का सदर होना, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सर से पूछते हैं कि आज के इलेक्शन के बारे में क्या फरमाते हैं और अपने कैंडिडेट के बारे में ये कितने पूरे उम्मीद है। जनाब मोहतरम मसूद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, आज के इलेक्शन के बारे में फरमाइए। इलेक्शन देखें, ये लायर्स का वकला का मेला होता है हर साल, तो आज भी मेला लगा हुआ है। सबसे खूबसूरत इसकी बात ये है कि आप देखें, जो मुखालिफ एक दूसरे के बैज लगाए जिन्होंने, वो भी एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहा है, सलाम दुआ कर रहा है, चाय इकट्ठी पी रहे हैं, खाने इकट्ठे खा रहे हैं, नारे इकट्ठे लगा रहे हैं। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं, जो सियासतदान हैं या आम लोग हैं, उनको भी वकला से सीखनी चाहिए जमहूरियत किस तरह की होती है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लायर्स के ताहिर रसूलल्लाह बड़ाई साहब, अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है, इंशाल्लाह शाम को हम जरूर जीतेंगे। ठीक है सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अपने सर, आपके कैंडिडेट के लिए ये चैनल नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और नेक दुआएं रखता है सर। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे नाजरीन, ये देखिए, ये एक रैली, इट्स अ फेस्टिवल, ये एक मेला है और वकला का मेला है। वहाँ हम ऐसे ऐसे अपने दोस्तों से मिलते हैं जो आमतौर पर आपको पता ही है कि वकील बहुत मसरूफ होते हैं, उनके पास इतना टाइम कहाँ होता है कि वो बैठ के गपशप करें। लेकिन इस इलेक्शन के हवाले से पंजाब के मोस्टली, क्योंकि अब तो थोड़ा सा, क्योंकि दूसरे बेंच भी बन गए हैं, पहले तो सारे लोग इधर ही आया करते थे, मगर अब भी गुजरांवाला, गुजरात और मियांवाली, और पता नहीं, ये मियांवाली के दोस्त हैं हमारे, यहाँ हाईकोर्ट के प्रैक्टिस करते हैं लेकिन मियांवाली से बिलोंग करते हैं। तो सर क्या ख्याल है, अपना तारुफ कराइए जी। जी, मेरा नाम मलिक ताहिर अब्बास है जी। मलिक ताहिर अब्बास साहब फ्रॉम मियां चन्नू हाईकोर्ट जी सर, और 25 ईयर्स हो गए मैं प्रैक्टिस में हूँ, और हमारे मियां वाली बार की 350 के करीब। सर आपने बैज नहीं लगाया, ये क्यों, किसको भाई, हम तो चैनल वाले हैं ना, इसलिए हम बैज लगा नहीं सकते, वोट तो हम डालेंगे जाहिर है। हम इस सिलसिले में ये अपने लगे, जमहूरियत जो है ये है कि वकला का एक जो इलेक्शन है, सही जमहूरियत की रूह है, और इसमें हम जो है वो अब आपके चैनल के लिए हम अलबत्ता है कि दुआ गो हैं कि आपके चैनल ए जस्ट वन जो है वो इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। और आमीन सुमा आमीन, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फियाज अहमद रांझा साहब, फियाज अहमद रांझा साहब हमारे सेक्रेटरी, अभी तक सेक्रेटरी हैं, है ना सर, जब तक इक्तदार मुंतकिल नहीं आ जाता, हो जाता है, ये सेक्रेटरी ही हैं। सर आज के इलेक्शन के बारे में क्या फरमाएंगे? इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला करम करेगा और ताहिर नसरुल्लाह बड़ाई साहब कम अज कम 2000 की लीड से सदर होंगे अल्लाह के हुक्म से। वाह, बहुत बड़ा दावा किया है मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने, ये हो नहीं सकता कि एक अदबी महफिल में बैठने वाला कोई इल्मी अदबी, उनका अपना शौक भी ना हो। तो सेक्रेटरी साहब सुनाइए ना कुछ। शख्स एक जो मेरी नजर में है, अभी वो हुस्न के सफर में है, सच बता कासद इम्तहान न ले, कितनी सच्चाई इस खबर में है, आ गए हैं जवाब लिखने उसे भी, कोई तो बात नामा बर में है, रात बीती उसे मनाते हुए और अभी तक वो अगर मगर में है।
बहुत खूबसूरत, बहुत इनका बड़ा शौक है, इंशाल्लाह कभी चैनल पे भी हम बुलाएंगे, लेकिन आज के हवाले से बहुत खूबसूरत इन्होंने लाइंस जो है वो हमें सुनाई है। थैंक यू वेरी मच सर, हम आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए बेस्ट विशेस चैनल की। सलामत रखे जी, बहुत मशहूर है आपके। अच्छा सर चले, आप तो खैर माशाल्लाह आप भी सेक्रेटरी हैं, सर ये कैसा टेन्योर आपका गुजरा, कैसा फील किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी कोशिश की, अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत ताकत दी थी वो वकला की वेलफेयर के लिए पूरी खर्च की है, और कोई मलाल नहीं है कि वो काम नहीं कर सके, जो अल्लाह ताला ने हिम्मत अता की थी उससे ज़्यादा बढ़ के काम किया है, और अपनी कम्यूनिटी की खातिर दिन रात हाजिर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आने वाले भी इंशाल्लाह इसी तरह से काम करेंगे और वकला के लेवल को ऊपर से ऊपर ले जाएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं अब ये इस मौके का फायदा उठाते हुए पूछूं कि रिमार्केबल कोई ऐसे काम जो आप फील करते हैं जी आपने ऐसे वकला के लिए कर दिए हैं जो वो याद रखेंगे, साल हर साल याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे? जी सबसे बड़ा रिमार्केबल जो काम हमने किया है वो हमने खिदमत मरकज बनाया है, जिसमें हमारे पास पासपोर्ट सेंटर है, उसमें नादरा सेंटर है और ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है, उसको हमने खिदमत मरकज का नाम दिया है, और चीफ जस्टिस और जजेस लैजान कमेटी के मशकूर हैं कि उन्होंने वो हमें बिल्डिंग फ्राहम की है। और दूसरा ये कि जो एक अरसे से हमारे पास सिर्फ एक डिस्पेंसरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने एक हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया है, और अनकरीब उसमें सारे डॉक्टर्स और सारा कुछ काम शुरू हो जाएगा। और तीसरा ये था कि एक लंबे अरसे से जो हमारी वोटर लिस्ट थी वो बड़ी अनअटेंडेड जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि 2600 लोग जो हैं वो पहला इस साल का, बल्कि पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनटेक होगा, 2600 नए मेंबर आए हैं, और 2300 जो ऑर्डिनरी मेंबर थे उन्होंने लाइफ मेंबर में कन्वर्जन कराई है, तो ये इस तरह से 4900 जो लोग हैं उन्होंने उनको लाइफ मेंबर नेटवर्क में लाए हैं, और 24600 लोग जो हैं वो अभी बायोमेट्रिक जो है वो हमारे पास क्वालिफाइड वोट है। माशाल्लाह, बल्कि वाकई मैं ये बात करना चाह रही थी कि हॉस्पिटल को सर ने एक्सटेंड किया, इस कैबिनेट ने हॉस्पिटल को एक्सटेंड किया है, अंदर जाएंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे, और ये बहुत मैं समझती हूँ कि एक खिदमत खल्क है, बहुत बड़ा काम है। और सर ये पहले तो एक ही डॉक्टर होते थे, अब क्या और डॉक्टर भी बैठेंगे? अभी हमारे पास डेंटल यूनिट काम कर रहा है, और हमारे पास जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है वो अल्ट्रासाउंड वाले काम कर रहे हैं, अनकरीब जो है वो कार्डियक सेंटर जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ओह वेरी नाइस, कितनी खूबसूरत बात की कि कार्डियक सेंटर, क्योंकि आपको पता बड़ी हेक्टिक लाइफ है वकीलों की, और दिल का बड़ा मसला ही रहता है, नहीं सर? वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक दो हादसात हुए हैं, तो हमने मेरे सदर साहब ने हम पूरी कैबिनेट इस पर डिटरमिन थे पहले दिन से कि हमने ये करके जाना है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कैबिनेट जो है वो कार्डिक को ऑपरेट करने के लिए पूरे जो काम है वो। सर ये सदका जारिया है, मुबारकबाद पेश करती हूँ आपके इतने अच्छे काम पे सर। बहुत मशहूर हैं, अल्लाह ताला कबूल करे, हम बहुत मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये मोहतरम शाफत खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे साथ मौजूद हैं, ताहिर नसरुल्ला बड़ाए साहब का बैज लगाए हुए, तो सर से पूछते हैं कि कितने पुरुमीद हैं अपने कैंडिडेट के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का इलेक्शन कैसे देख रहे हैं सर? आज का इलेक्शन इस तरह से है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप का मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ और स्पोक्समैन हूँ उनका, अल्हम्दुलिल्लाह 100% यकीन से, अल्लाह ताला की मेहरबानी और सब दोस्तों भाइयों की मोहब्बत से आज की फतह भी जो है वो पिछले आखिरी 2 साल की तरह हमारे नाम है, और इंशाल्लाह ताहिर नसरुल्लाह बड़ाई साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि ताहिर नसरुल्लाह बड़ाई साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं। चलिए सर, हमारा चैनल बेस्ट विशेज देता है आपको, आपके कैंडिडेट को, वकालत की दुनिया का एक और बड़ा नाम, और ये एक्स प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन, एशिया की सबसे बड़ी बार। अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी इधर उधर बार है, मैंने कहा भी हमें तो ये लाहौर की सबसे बड़ी बार एशिया की है, और उनके ये प्रेसिडेंट रहे हैं, लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थे मोहतरम आसिम चीमा साहब। जी सर जी, कितने पुरुमीद है अपने कैंडिडेट के बारे में, और आज का इलेक्शन आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा इलेक्शन जो होता है वो उस कैंडिडेट का है जिसको वोटर एक्सेप्ट कर लेता है, और वोटर ने हारून दुग्गल को एक्सेप्ट कर लिया है, और मेरी मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 1500 से ऊपर की लीड है हारून दुग्गल की, और इंशाल्लाह ये कामयाब है। चलें जी, हम बेस्ट विशेस देते हैं सर, हमारा चैनल आपको, आपके कैंडिडेट को, और मोहतरम आसिम चीमा साहब फरमा रहे हैं कि वोटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है हारून दुग्गल साहब को एज ए कैंडिडेट, और इंशाल्लाह 1500 की लीड होगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफिसर। रहीला राणा,
एडवोकेट राना वसीम खां को, राना वसीम यूसुफ खां को उन्हें ये सपोर्ट कर रही हैं, तो कितनी होपफुल है बेटा अपने कैंडिडेट के बारे में? मैं इंशाल्लाह 100% होपफुल हूँ बिकॉज ही इज़ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर, इसलिए मैं, राना वसीम की जीत सिर्फ उस सारे सिस्टम की जीत है जो हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे इलाकों से प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी डीलर बैठ जाते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को हल ही नहीं कर पाते। जब तक हम में से कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं सामने आएगा, वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा? इसलिए राना वसीम की जीत इसलिए बहुत ज़रूरी है, उस सारे सिस्टम की जीत है। आप बता रही थी लेडीज़ के लिए भी इन्होंने बड़ा काम किया, इन्होंने लेडीज़ को बहुत करेज किया है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, इसलिए मैं बींग अ लेडी लॉयर मैं कह रही हूँ कि इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि इनकी जीत हमारी जीत है, हम सब लेडीज की जीत है। वेरी गुड। चलें जी, हम चैनल की तरफ से आपके लिए और आपके कैंडिडेट के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं रखते हैं, अभी आपका विजिट भी करते हैं। ये सोनिया खान एडवोकेट मेरे साथ हैं। जी, कैसा इलेक्शन हो रहा है सोनिया जी? जबरदस्त हो रहा है, और ये मैंने देखा है लाहौर में बड़े जोशो खरोश से लोग घरों से निकले, वो वोट भी निकला है जो कभी लॉयर प्रैक्टिस में नहीं है। थैंक यू। अच्छा, यानी आम तौर पे इन्होंने, इनका मतलब ये है कि जो हमारे थोड़े नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, चले कुछ कोई कर रहा है, कोई बाहर है, कोई इधर है उधर है, लेकिन इस इलेक्शन में वो बाहर से भी इधर आ जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए, और बड़ा अच्छा एक फेस्टिवल का माहौल होता है। नाज़रीन, फिनांस सेक्टरी पे 6 उम्मीदवार हैं, ज़ीशान सलेरिया है, राना अली अख्तर खां है, राना वसीम यूसुफ है, फैसल तौकीर जट सियाल है, और मार अरशद नौल है, और मियाँ मोहम्मद अहमद मजीद साहब हैं। ये 6 लोग हैं जो फनान सेक्टरी पे हैं। अब देखते हैं कि फतह का हुमा जो है वे किसके सर पे बैठता है और कौन फतह किसको नसीब होती है। सैयद अली नजम गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये प्रेसिडेंट है सियालकोट बार के, और सर आपको वेलकम लाहौर में, और आज के इलेक्शन के बारे में फरमाइएगा। ये आज के इलेक्शन के बारे में नहीं, मैं वकला के इलेक्शन के बारे में कहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको हमसे सबक सीखना चाहिए। ठीक है, कि हमारा किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, जितना जमहूरी इदारा हमारे वकला का है, पाकिस्तान में कोई और इदारा नहीं है। ठीक है, और हमारी बार जो है हमेशा जो बार के लिए बेहतर इंसान होता है, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, हमेशा उनको आगे लेके आते हैं। Nice. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। और सर, ये कैंडिडेट तो आपने बताया ना किसको सपोर्ट किया आपने, बैज भी नहीं लगाया? मैंने बैज इसलिए नहीं लगाया। अच्छा, कि भाई ये सबके लिए बेस्ट विशेस रखते हैं, जो बन गए तो ठीक है जनाब, वो सबके लिए जो बार के लिए बेहतर वो फैसला हो। सो नाइस यू सर। अच्छा, ये उज़्मा गिलानी मेरे साथ हैं। उज़्मा बताओ, हमारी खैर ये जस्ट वन की हमारी पूरी टीम है ये भी, लेकिन बताओ यार आज के इलेक्शन के बारे में कैसा देख रही हो? अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू वेरी मच। जस्ट वन टीवी के इस चैनल के जरिए हम अपने वकला बरादरी की उम्मीदों के बारे में बताना चाहते हैं कि ये सारा जोश और जज्बा इसलिए कि हम सारे बहुत खुशी से और बड़ी उम्मीद से हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इंशाल्लाह जो भी उम्मीदवार कामयाब होंगे वो बार की बेहतरी के लिए और मुफादे आमा के लिए काम करेंगे। हम बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद हैं और आपके शुक्रगुजार हैं, आप कवरेज कर रहे हैं इस। बहुत शुक्रिया उज़्मा, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी पूरी टीम है यार, तुम भी टीम का बड़ा एक खूबसूरत हिस्सा हो। मलिक मुश्ताक अवान जी, ये आज का इलेक्शन बहुत अच्छे पुरअमन माहौल में हो रहा है और इसके अरेंजमेंट एक्सीलेंट है। मैं समझता हूँ कि मेरिट पे ताहिर नसरुल्ला और हारून दुग्गल को जो है इंशाल्लाह एज है, और इंशाल्लाह देखेंगे हो जाए। ये प्रेसिडेंट का कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, सर जी कैसा इलेक्शन देख रहे हैं सर जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खूबसूरत इलेक्शन हुआ है, बड़ा पुरअमन हुआ है, और इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम रह गया तो मेजॉरिटी वोट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ा नाम वकालत की दुनिया का मोहतरम सर आज़म नज़ीर तारिक साहब। सर जी कैसा इलेक्शन देख रहे हैं सर आज? माशाल्लाह इलेक्शन तो अब हो चुके हैं जी सर, और इंशाल्लाह उल अजीज जिस तरह बार ने पिछले 2 सालों में इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप को खिदमत का मौका दिया है, इस दफ़ा भी उतनी ही थम्पिंग मेजॉरिटी से इंशाल्लाह और 1 घंटे के बाद ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा, और इंशाल्लाह उल अजीज़ ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइज इंडिपेंडेंट ग्रुप की नाम उनकी नुमाइंदगी करते हुए 2020-21 में बार की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए, और बार के लिए बेस्ट विशेज सर जस्ट वन टीवी की तरफ से। सो नहीं सकते, बहुत माशाल्लाह एक पॉलिटिकल नाम
और ये खुद भी फाइनेंस सेक्रेटरी रही है, लाहौर बार की फाइनेंस सेक्रेटरी रही है। तो ये आज का इलेक्शन कैसे फजाला देख रही हो, आप तो कैंडिडेट भी रही हो ना यार? जी इलेक्शन एक भरपूर मेला है जी, कंपटीशन तो आपको पता होता है, जो मैदान में उतरेंगे वो कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो नेक टू नेक हर सीट पे कंपटीशन है। हम दुआगो हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है वो उनको अल्लाह इज्जत दे। ठीक है, अच्छा आप सेक्रेटरी पे किसको कर रही हो? सेक्रेटरी पे हारून दुग्गल। सेक्रेटरी पे हारून दुग्गल को, ठीक है ठीक है। ये सब बच्चियां माशाल्लाह वेरी नाइस। ये नायला राना, दोनों सिस्टर हैं। नायला बताओ यार कुछ। जी हम लोग आज के इलेक्शन में भरपूर हमायत कर रहे हैं ताहिर नसरुल्लाह बड़ाई साहब की, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे, वो हमारे बड़े भाईजान हैं और कहलवाते भी पाई है ना। हाँ जी वो बिल्कुल पाजी के कहलवाते हैं। ये जनाब मेरी बहुत प्यारी दोस्त है आसमा तनवीर रंधावा, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। आज यहाँ पे आसमा आई हुई है। आसमा किसको वोट करने आई हुई हो यार? मैं खुद कैंडिडेट। पहले तो आपको खुश आमदीद। अच्छा थैंक यू। मैं खुद कैंडिडेट हूँ मेंबर पंजाब बार काउंसिल फैसलाबाद सीट के लिए, इसलिए मैं ओपनली वोट नहीं दे रही, पर सेक्रेटरी का हारून दुग्गल। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ। अच्छा 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 सेक्रेटरी का। लो जी ये उज्मा, उज्मा बहुत प्यारी हमारी दोस्त उज्मा सिंधो, और ये वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद बार, मेरी फैसलाबाद बार बहुत बड़ी बार है मेरा, क्योंकि मेका है वहाँ पे, इसलिए मुझे बड़ी अजीज है भाई। उज्मा वेलकम पहले तो, और फिर ये आज का इलेक्शन बताओ यार। आज का इलेक्शन माशाल्लाह से बहुत गहमा गहमी है, बहुत रश है, वोट कास्ट करने लोग आ रहे हैं और हर कैंडिडेट जो है वो अपने अरूज पे कंपेन पे जा रहा है। मैं हारून दुग्गल को सपोर्ट कर रही हूँ, मैंने उसी का बैज लगाया है, तो उनकी पोजीशन भी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे। क्योंकि उज्मा खुद भी कैंडिडेट रही हैं और इन्हें पता है कि कैंडिडेट की जो हालत होती है। ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं, लेकिन अब ये बिग सपोर्टर हैं आसमा की। आसमा हमारी भी भाई बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ भाई आसमा तो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, और आपके लिए बेस्ट विशेज है आसमा। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। मियां नासर अली एडवोकेट साहब हैं वलायत अली साहब का, उन्होंने बैज लगाया हुआ है, तो पूछते हैं आज का इलेक्शन कैसा है, कितने पुरउम्मीद हैं, साथ आ जाओ बेटे जी, बताइए सर। हाँ जी हम चोरी वलायत अली साहब के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, इसलिए उनको वोट सपोर्ट। शेखोपुरा से ताल्लुक है सर? हाँ जी वो नहायत ऑनेस्ट और प्रैक्टिसिंग लायर है, और उनका ओढ़ना बिछौना ही जो है वो वकालत है, प्रैक्टिस है, तो इसलिए जो है मैं चोरी वलायत अली साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो एक प्रैक्टिसिंग लायर है। अच्छा, को अच्छा से शेर भी सुनाइए। जी सुनाता हूँ इंशाल्लाह। तुझ लब की सिफ्त, तुझ लब की सिफ्त लाले बदख्शां से कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला से कहूँगा। जादू है तेरे नैन गजाला से कहूँगा, क्या बात है सर जी। हजारों आते हैं लेकर रेत के सहरा में मेरे साथ तो चल, फूल बनके तेरी राहों में बिखर जाऊंगा। जो जो शख्स प्रोफेशनल नहीं है उसको वुकला की नुमाइंदगी का कोई हक हासिल नहीं है, जो बंदा प्रोफेशनल है वो आप वो वुकला के वोट का हकदार है, और चोरी वलायतरी प्रोफेशनल हैं और प्रैक्टिसिंग लायर हैं, लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चोरी वलायत अली साहब को वोट देकर कामयाब करें और वकालत को महफूज करें, प्रोफेशनल को प्रमोट करें। अपना नाम बताइए सर। मिर्जा ज़ुल्फ़िकार अली एडवोकेट, साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा। साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। जाहिर साहब आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर? सियासी बड़ी सूझबूझ है, और PLF के प्रेसिडेंट है लाहौर के। जी सर जी मैं ये समझता हूँ कि आज का इलेक्शन जो है वो ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच का इस वक्त तक पांसा भारी है, और वो भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, और वुकला जो है उन्होंने बेहतर फैसला जो है मैं समझता हूँ कि वो होगा इंशाल्लाह। सो नाइस ऑफ यू जाहिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब ये सदर के उम्मीदवार हैं, और अभी रिजल्ट थोड़ी देर में आने वाला है। सर से पूछते सर कैसा इलेक्शन देख रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है, इंशाअल्लाह वाज़े मार्जन से हम शिकस्त देंगे माफिया को। हाँ हमेशा मोहब्बत फाते आलम होगी, हम शिकस्त देंगे नफरत को, हम मनफी सियासत को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देंगे।